रेडियोएक्टिव प्रोसेस नहीं हुआ है। मैं किसी खास तरह के रेडियोएक्टिव प्रोसेस को दर्ज कर रहा हूं, मान लिया इसमें कोई अल्फा डीके चल रहा है, तो बस मैं अब केवल अल्फा डीके के बारे में ही स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूं शुरू में, एंड नॉट ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनसे अल्फा अभी डीके नहीं हो रहा है। तो अगर ये जो हम नियम या जो मैथ्स लगा रहे हैं वो किसी खास तरह के डीके के लिए लगाए जाते हैं, या तो अल्फा या तो बीटा या तो गामा, कोई एक। ऐसा नहीं कि यार एक से अल्फा निकला एक डीके बोल दिया जाएगा, दूसरे से बीटा निकला तो एक डीके बोल दिया जाएगा, नहीं। अगर हम अल्फा की स्टैटिस्टिक कर रहे हैं तो सबसे अल्फा निकलने को ही हम डीके बोलेंगे, नहीं तो अभी मैं कहूं कि इससे किसी से डीके नहीं हुआ है। और टी बराबर टी टाइम में कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनका डीके हो गया है, कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं और इतने बचे हुए हैं अनडिकेड। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टी टाइम में कितने अनडिकेड हैं उसका फॉर्मूला, और सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था रेट ऑफ डीके का। रेट ऑफ डीके से मेरा मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियस डीके करते हैं, पर यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियस डीके करते हैं उसका रेट किस चीज के प्रोपोर्शन होता है, कि कितने कितने मॉलिक्यूल कितने न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं जिनका डीके होना। अगर डीके होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, न्यूक्लियाई की संख्या ज्यादा है, तो रेट भी ज्यादा होगा, नहीं? यानी अगर एक शहर में 1 अरब की आबादी है, एक शहर में 1 अरब की आबादी है और 100 लोग पर डे निपट रहे हैं, तो 2 अरब की आबादी वाले शहर में 200 लोग पर डे निपटेंगे। तो ये आर क्या होता है, एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके, कितने डीके कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, और एन क्या होता है, कितनी जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट को हम लोग कैलकुलस की लैंग्वेज में माइनस डी एन बाई डी टी भी लिखते हैं, इक्वालिटी लाने के लिए कॉन्स्टेंट आता है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक फॉर्मूला लाया था एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला लाया था। क्या इसी फॉर्मूले को हमने एक और लुक में लिखा था 2.303 बाई लैम्डा लॉग एन नॉट बाई एन टी। अब ये याद कैसे रहेगा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो देखो यार टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लॉग के अंदर ऊपर वाली चीज बड़ी होगी नीचे वाली चीज छोटी होगी। ये बात केमिकल काइनेटिक्स में भी तुमने देखी होगी कि लॉग बेस 10 है भाई, है ना। हमने यार अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कितने टाइम में कितने न्यूक्लियस बाकी रह गए हैं डीके होना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम डालो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पाओ। और अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं कि इतने बचे हैं, पहले 1 अरब थे अभी आधा अरब हो गए हैं या 1/4 अरब हो गए हैं, तो ये पूछा जाए कितना समय बीत चुका है, तो उसका ये फॉर्मूला है। लैम्डा को हम डीके कांस्टेंट बोलते थे। इसके अलावा मैंने बात करी थी अगर रेट नंबर के प्रोपोर्शन होता है, यानी नंबर ज्यादा तो उनका एक्टिव होने का रेट भी ज्यादा होगा उनको डीके होने का, और क्या बताओ, नंबर ज्यादा तो मास ज्यादा तो मोल ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, क्या ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल डीके होना बाकी होंगे उतने ज्यादा मोल्स बाकी होंगे, जितने ज्यादा मोल्स बाकी होंगे उतना ज्यादा मास बाकी होगा। तो ले देखिए यार जैसा फॉर्मूला मैं यहां लाया हूं वैसा फॉर्मूला मैं सबके लिए बना सकता हूं, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यार देखो अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पे रेट को आर नॉट बोलूं तो वो लैम्डा एन नॉट से रिलेटेड होगा, टी बराबर टी पे आर टी बोलूं तो वो लैम्डा एन टी से रिलेट होगा। तो जहां एन टी लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर टी बाई लैम्डा, जहां एन नॉट लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर नॉट बाई लैम्डा। तो क्या एन का फॉर्मूला पूरी तरह से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, आर टी बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो क्या ऐसा भी फॉर्मूला इसके लिए बनाया जा सकता है, जहां एन नॉट लिखा है उसको मैं आर नॉट बाई लैम्डा लिख दूं, जहां एन टी लिखा है उसको मैं आर टी बाई लैम्डा लिख दूं, तो क्या टी इक्वल टू नहीं बनाया जा सकता। यानी जैसा फॉर्मूला नंबर को लेके है वैसा ही फॉर्मूला रेट को लेके होगा, वैसा ही फॉर्मूला मोल्स को लेके होगा, वैसे ही फॉर्मूला वॉल्यूम को लेके मास को लेके सबका बनाया जा सकता है। तो हमें एक समझ में आ जाए
ये वाला और ये प्रोपोर्शनलिटी तो मैंने सबके लिए लिख दी है, प्रोपोर्शनलिटी मैं केवल इनकी ही अकेले बात क्या हूँ, सब प्रोपोर्शनल है, तो सबके लिए ऐसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ ली थी, एक बार फिर से दिमाग में लाने के लिए। आ गई बातें, तो एक आध क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे लैंग्वेज बनाई जाएगी इसमें। और अभी मान लिया हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कहा गया है टी बराबर जीरो पे, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, टी बराबर जीरो पे 1600 काउंट पर सेकंड है, ये काउंट पर सेकंड क्या होगा, कितने रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, शुरू में कितना है 1600, 8 मिनट बाद कितना हो गया है 100 काउंट पर सेकंड, तो 6 सेकंड बाद कितना काउंट पर सेकंड होगा वो बताना है। ठीक है, मुझे बताया 8 सेकंड में रेट इतना हो गया है और 6 सेकंड में बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा? एक मिनट, ये वाला या ये वाला क्या लगाना ठीक रहेगा? ये वाला, देखो जरा ये वाला फॉर्मूला लगाना क्यों ठीक रहेगा, और अक्सर तुमने केमिकल काइनेटिक्स में इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज किया है, ये फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले को जीरो से लेके आठ जो भी है सेकेंड के लिए लगाता हूं, 8 सेकेंड है 8 मिनट है पता नहीं, 0 से 8 के लिए मैं लगाता हूं जिस भी यूनिट में है, वो 8 घंटे 8 दिन भी हो सकता है ना, हम यहां दो सिचुएशन को कंपेयर करने वाले हैं, तो यूनिट की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगेगा 2.303 बाय लैम्डा लॉग, बताओ शुरू में रेट कितना था 1600 और 8 मिनट में कितना हो गया है 100, ये पहली सिचुएशन है, क्या ऐसे फॉर्मूला लग दिया, बाकी सब हमें पता ही है, समय 8 है और उस समय का रेट कितना हो चुका है 100, शुरू में कितना था 1600। अब मुझे बताओ 0 से 6 सेकंड के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, फॉर्मूला 0 से ही शुरू होता है, तो यहां क्या लिख देना चाहिए 6, अब मुझे नहीं पता ये डे है आवर है या मिनट है, वो क्वेश्चन में दिया होगा 2.303 बाय लैम्डा लॉग, शुरू का रेट टी बराबर 0 का रेट कितना था 1600 और हमें कौन सा रेट बताना है 6 के लिए, ये अननोन है, तो यार ऐसे करने में फायदा यह है कि हमें लैम्डा पता नहीं है और लैम्डा की हमें जरूरत भी नहीं है, इनको डिवाइड कर देंगे ये पूरा उड़ जाएगा, कितना आ गया भाई 8/6 इक्वल टू लॉग 16 अपॉन लॉग 1600 बाय आर 6, ओके लॉग 1600 बाय आर 6 मैं इधर लाता हूं, ये 6/8 उधर पहुंचाएंगे तो इधर 6/8 हो जाएगा। अच्छा 16 को मैं क्या 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है समथिंग की पावर n हो तो वह n कहां आ जाता है बाहर आ जाता है, या पावर हम अंदर ले जा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, मैं पावर को अंदर भी ले जा सकता हूं, क्या ये जो बाहर मल्टीप्लीकेशन होता है वो इधर पावर में आ सकता है या पावर बाहर आ सकती है, यार लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए की पावर एन को हम एन लॉग ए लिख सकते हैं, तो एन अंदर जाएगा तो पावर में बनेगा और पावर बाहर आती है, कभी सुना यार ये बात, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं 6/8 को 3/4 लिखने वाला हूं और इसको अंदर ले जाने वाला हूं, अभी समझ में आएगा अंदर ले जाने से फायदा क्या है, ये 3/4 मैंने यहां से हटा के कहां ले गया अंदर, तो मैं देखिएगा यार अब पूरा फॉर्मूला लॉग लॉग का रह गया है और वो भी सब कुछ अंदर है, नहीं है बाहर, यहां भी कुछ नहीं है यहां भी कुछ नहीं है, और जब अंदर अंदर सब कुछ है तो अंदर वाली चीजें इक्वल होंगी, यानी हम क्या कर सकते हैं 1600 बाई आर 6 इक्वल टू क्या 8, तो आर 6 इक्वल टू कितना आ गया 200, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यार, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, इसका भी बेटर मेथड मैं बाद में बताऊंगा, हर चीज पहले बेसिक तरीके से पता होना चाहिए फिर ट्रिक पता होना चाहिए, तो ये बेसिक तरीका है जिससे ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए।
ये तरीका समझ में आ गया क्या? ऐसे तुमने केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशन को लेके, पार्शियल प्रेशर को लेके इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, तो उसी का मैं माइलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां करी है, यहाँ सीधे अप्लाई करना है। माइलेज शब्द इस समय मेरे दिमाग में काफी आ रहा है, तुम समझ सकते हो क्यों। सही माइलेज आ रहा है, वैसे गाड़ी में सही माइलेज आ रहा है। तो दो सिचुएशन थी, 8 के लिए 100 काउंट हुआ है, 6 के लिए कितना काउंट पर सेकंड हुआ है ये निकालना था हमें। उन दोनों सिचुएशन को हमने कंपेयर किया है। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया है, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओगे। एक्टिविटी मतलब रेट, एक्टिविटी का मतलब होता है रेट। क्वेश्चन में कहा गया 0 से 280 दिन में रेट कितना हो गया है, 6000 डीपीएस। डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इट्स नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल। 280 दिन में, 140 दिन में रेट कितना हो गया है, ये 280 का है, 140 का रेट कितना दे रखा है, 3000 डीपीएस। और टी बराबर जीरो का रेट, आर जीरो हमें नहीं पता है, टी बराबर जीरो का रेट हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में आर जीरो ही बताना है। ये मैं जब नई टेक्निक बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि केमिकल काइनेटिक्स में भी वो नई वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, अभी तो पुरानी करो जो तुम करते हो। शुरुआती रेट बताना है, टी बराबर जीरो वाला रेट। पिछली बार हम लोगों ने यार यूनिट का ध्यान नहीं रखा था, जब भी रेशियो वाली चीजें होती है तो उसमें यूनिट ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, कन्वर्जन फॉर्मूला में करोगे भी तो कट जाएगा। अगर आर नॉट दो जगह फंसाओगे तो मामला दिक्कत वाला हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 0 से लेके 140 दिन के लिए फॉर्मूला पहले लगाते हैं। 0 से 140 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 140 ये समय हो गया, 2.303 बाई लेमडा लॉग आर नॉट बाई 3000। ये मैंने किसके लिए लगाया है, 0 से लेके 140 के लिए। ठीक लग रहा है यार, अननोन को दो जगह लाने से दिक्कत हो सकती है, तो एक ही जगह बना रहता। अब मैं कह रहा हूं 140 से 280 डेज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, 140 से 280 दिन के लिए नहीं लगा सकते। बता 140 से 280 दिन में भी कितने समय बीता, 140। लेकिन अब हम स्टार्ट किसको बोलेंगे,
यार अब हम एक स्टार्ट बोलेंगे 280 डेज में 140 डेज लेटर इट बिकम 3000 जस्ट अ मिनट सॉरी यार 280 दिन में इतना है और 180 और 140 दिन में यानी यार ये 420 हो गया ना कितना हुआ है 3000 डीपीएस ये जरा समझे जीरो से 140 3000 नहीं हुआ है जीरो से 280 6000 हुआ है और 280 से 420 ये 280 से 420 के लिए लगा रहा हूं मैं आप बड़बड़ हो गया ये पहले 240 के लिए लगाते हैं 280 डेज 280 के लिए इनिशियल रेट आर नॉट और फाइनल कितना है 6000 मैं यहां से यहां के लिए पहले लगा रहा हूं अभी क्लियर कर ले जीरो से 280 के लिए इतना है ठीक है तो टी बराबर जीरो पे रेट कितना था आर नॉट 280 दिन में कितना हो गया 6000 अब मुझे बताओ 280 से 420 इसमें लिखा है 6000 होने के बाद 140 डेज लेटर मतलब इसके भी 140 दिन के बाद यानी यार 280 से 140 और दिन होंगे तब 420 दिन हो जाएंगे कि नहीं तो अब मैं कह रहा हूं 280 से 420 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो दिन कितने हैं 140 और रेट शुरू में 6000 है और 420 दिन में कितना हो गया है 3000 ये देखो यार ऐसे लगाओगे ना तो तुम्हें एक जगह नो नजर आएगा पहले तो क्वेश्चन क्लियर कर ले ये 3000 नहीं था बल्कि 420 दिन के बाद वाला सीन था भाई 140 दिन में कम कैसे हो सकता है जीरो से 280 6000 हुआ है फिर 280 से और 140 दिन बाद क्या अब क्या करोगे यार आर नॉट लाने के अब क्या करोगे डिवाइड करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो यार ये आएगा 2/1 लैम्डा वाला टर्म पूरा कट जाएगा यहां आएगा लॉग आर नॉट बाई 6000 और नीचे आएगा लॉग 2 अब क्या करोगे लॉग 2 को उस तरफ भेजते हैं हाँ भाई अब क्या करोगे पिछली बार मैंने क्या किया था कि बाहर वाली चीजों को अंदर भेज दिया था तो 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या बन गया यहां 4 आ गया तो आर नॉट कितना आ गया 24000 क्लियर है क्लियर भाई खैर ये मेथड हमने आज किया है इसके बाद दोबारा कभी नहीं करेंगे इसलिए किया है तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स की याद आ जाए तुम ऐसा करते हो और वहां भी इसका फायदा उठाओगे जो अब हम करने वाले हैं सबसे पहले तो बता यार हाफ लाइफ क्या है हाँ टाइम इन विच न्यूक्लियाई टू बी डिसइंटीग्रेटेड स्लैश एक्टिविटी बिकम हाफ ऑफ इनिशियल मैंने यार दो चीजें बोला है कि आधी हो जाती हैं रेट आधा हो जाता है और न्यूक्लियाई भी ये मुझे बोलने की जरूरत है एक चीज आधी होगी तो सब कुछ आधा होगा क्या बताओ अगर आबादी आधी हो गई है 1 अरब की 50 लाख हो गई है तो पहले 100 लोग निपट रहे होंगे तो अभी लोग 50 लोग
यानी ये तो बनी बात है यार कि जब आबादी आधी होती है तो रेट भी आधा हो जाता है। नहीं, कोई कहे कि यार ये टाइम हमें निकालना है, हाफ लाइफ का समय हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे यार? मान लिया टी बराबर जीरो पे एन नॉट न्यूक्लियाई थे जिनका डिसइंटीग्रेशन होना था, तो टी बराबर टी हाफ मतलब जितनी देर में वो आधे हो गए होंगे उसका समय निकालना है, तो तुम क्या करोगे? एन नॉट बाई टू हो गए हैं। अब बता रहे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जीरो से टी हाफ के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या होगा? 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट और एन नॉट बाई टू। भाई इनिशियल जीरो वाला और हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू, तो कितना आ जाएगा रे टी हाफ? 2.303 बाई लेमडा लॉग टू। खैर यार इतनी चीज को कभी कभी एलएन टू देखने को तुम्हें मिल सकता है। क्या मिलेगा? एलएन टू। इतनी चीज का कैलकुलेशन अगर कोई करेगा तो 2.303 लॉग टू 10 बेस है ये। यार एलएन टू होता है ई बेस, लॉग ई बेस टू या एलएन टू एक ही बात होती है। इससे जब ये बदला जाता है तो 2.303 आ जाता है। लॉग टू 10 बेस पे वैल्यू होती है 0.3010, तो ये सॉल्व करके आता है 0.693 बाई लेमडा। तो टी हाफ कितना आ गया? 0.693 बाई लेमडा। इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? यानी आधा अमाउंट होने का समय कितना है? 0.693 अपॉन लेमडा। कोई दिक्कत है? ये खास नंबर है, आधा अमाउंट होने का समय है। कोई अमाउंट टी बराबर जीरो पे एन नॉट है, टी हाफ पे वो एन नॉट बाई टू हो जाएगा। क्या बताया? टी हाफ का मतलब है हाफ होना, उसका भी हाफ होना मतलब क्या है? 1/4। तो उसमें अमाउंट कितना हो जाएगा? एन नॉट बाई फोर। नहीं, उसका भी हाफ होने में एन नॉट बाई एट हो जाएगा। यार ये पैटर्न जरा समझे, बताओ जीरो से टी हाफ में जितना समय लगा होगा वो ये है, ठीक है? कितना है? ये टी हाफ से 1/4 होने में जो समय लगेगा वो सेम आएगा या अलग आएगा, है ना? बता टी हाफ टू टी 1/4 का समय मैं निकालना चाह रहा हूं, कैसे लिखोगे? 2.303 अपॉन लेमडा लॉग टी हाफ से टी 1/4। तो टी हाफ के समय अमाउंट कितना था? एन नॉट बाई टू और 1/4 एन नॉट बाई फोर। बताओ आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है कि नहीं? यानी कि अब ये अमाउंट कितना हो चुका है? हाफ से 1/4। इसको मैं कोई ऐसा नाम ना दूं, बस ये कह दूं कि हाफ से 1/4 होने में क्या अलग समय लगा है? वही लगा है। तो कुल मिला के ईच टाइम जब अमाउंट आधा होता है तो हर बार समय सेम लगता है ना? इससे हमें क्या पता चला? ईच टाइम व्हेन अमाउंट गेट हाफ हाफ टाइम रिमेन्स इक्वल। ये बात मैंने शो करने की कोशिश की है। अभी बता रहे कोई निकाले एन नॉट बाई फोर से एन नॉट बाई एट होने का समय, तो क्या अलग आएगा? क्या सेम आएगा? तो अब यार क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या है? हम ये पता कर लें कि ऐसे ऐसे हाफ वाले कितने साइकिल बीत गए हैं। ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे पता चलेगा? मान लिया हमें यार एक हाफ लाइफ मान लिया कुछ पता चल जाए 2 दिन है, तो बताओ 8 दिन में हाफ लाइफ कितनी बीतेंगी? यार अगर हमें एक हाफ लाइफ 2 दिन पता है
तो 8 दिन में ऐसी ऐसी कितनी हाफ लाइफ बीत जाएंगी? 4। कैसे पता चला? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम में से, टोटल टाइम में से तुम्हें क्या डिवाइड करना चाहिए? हाफ लाइफ डिवाइड करना चाहिए, तो क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब कोई कहे यार कि 4 हाफ लाइफ बीत गई है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे हाफ एक हाफ लाइफ में, का हाफ दो हाफ लाइफ में, का हाफ तीन हाफ लाइफ में, का हाफ 4 हाफ लाइफ में, क्या हो जाएगा? हाफ का हाफ का हाफ का हाफ, यानी हाफ की पावर कितनी? 4। यानी यार कोई भी अमाउंट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अमाउंट आफ्टर एन हाफ लाइफ निकालना हो तो बड़ा आसान है। एक हाफ लाइफ में कोई अमाउंट होता है हाफ, तो दो में क्या होगा? उसका भी हाफ। ऐसे करते करते एन हाफ लाइफ में एक दो एन बार करेंगे कि नहीं, तो अमाउंट कितना बचेगा एन हाफ लाइफ के बाद? वो बन गया एन नॉट हाफ की पावर एन। क्या ये जनता समझ पा रही है? ये बात जनता समझ पा रही है? अगर ये बात जनता को समझ में आ गई है तो मैं पिछले दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बिना पेन चलाए तुम्हें बताने वाला हूं। अमाउंट आफ्टर एन हाफ लाइफ कैसे निकाला जाएगा? एक हाफ लाइफ में आधा, दो हाफ लाइफ में, चार हाफ लाइफ में, 4 बार हाफ आएगा, एन हाफ लाइफ में एन बार हाफ आएगा, तो सब मल्टीप्लाई होके हाफ की पावर एन बन जाएगा। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे आता है? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। और टी हाफ कैसे आता है? 0.693 अपॉन। अच्छा, टी हाफ का एक फॉर्मूला मैं यहां और लिख रहा हूं, 0.693 इंटू टी मीन, ये भी एक फॉर्मूला है। अभी तुम्हें मीन लाइफ के बारे में मैं अलग से बता दूंगा। ये क्या है? मीन लाइफ, मीन लाइफ ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहां बता देता हूं। इतनी बात जनता को समझ में आ गई? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दें, पहले नोट कर लिया है सबने? नोट कर लें। ईच टाइम रिमेन्स इक्वल, हर बार आधे का आधा होने में समय क्या रहता है? सेम रहता है। ये बात समझ में आ गई है? हर बार आधे का आधा होने में समय इक्वल रहता है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नोट कर लो, नोट कर लो। और ये जो कोशिश है कि सब कुछ नोट करते हुए जल्दी जल्दी देखना है, ये भी तुम्हें अपग्रेड कर रही है लगातार। मगर अपग्रेड होते रहो। दिख गया क्या? ये वाला मेथड समझ में आ गया? देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहा गया 280 दिन बाद अमाउंट 6000 हो गया है, 280 दिन बाद, और 140 दिन बाद, और 140 मतलब 280 के बाद कितना हो गया? 3000। ये रेट पहले 6000 था, अभी कितना हो गया? 3000। मुझे बताओ, रेट आधा हो गया ना, तो क्या इसकी हाफ लाइफ हमें पता चल गई कितनी है? क्या इस डेफिनेशन से हमें हाफ लाइफ नहीं पता चली? पहले रेट 6000 था और 140 दिन के बाद, उसके 140 दिन के बाद कितना हो गया? 3000। इसका मतलब हर बार ये आधा होने में कितना समय लेता है? 140 दिन। हर बार ये आधा होने में कितना समय लेता है? 140। तो मुझे बताओ, 420 दिन में वो 3000 है। अरे भाई, 280 दिन में कितना है? 6000। 14 × 28, 14 × 42, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ है? 3000। और 2 हाफ लाइफ में कितना है? 6000।
तो एक हाफ लाइफ में कितना हुआ होगा? नहीं समझ सकते यार, 12,000। यार ये बताओ, चलो थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, 280 दिन में कितना है? 6,000। 420 दिन मतलब और 140 दिन के बाद कितना हुआ है? 3,000। तो इसका मतलब 140 दिन में ये कितना हो जाता है? आधा। तो बता यार, 140 दिन में ये कितना रहा होगा? इधर ध्यान में, 3,000 से 6,000, ये 6,000 से 3,000 हुआ है 140 दिन में। तो क्या यहां 140 दिन में पहले क्या सीन रहा होगा? 12,000। और 140 दिन पहले क्या सीन रहा होगा? बस इतना ही समझना है। इसका आंसर हमने क्या निकाला था मेहनत करके? 24,000। क्या अभी समझ पा रहे हैं कैसे? बिना पेन चलाए, मैं तो पेन चलाने की भी नहीं बात कर रहा हूं, कि अगर कोई 140 दिन में आधा हो रहा है, यानी 6,000 से 3,000 हो रहा है, तो इसका मतलब 280 से 140 दिन पहले वो 12,000 रहा होगा, और 140 से और पहले 140 दिन पहले यानी t बराबर 0 पे वो कितना रहा होगा? 24,000। दिख रहा है? ये हाफ लाइफ में फिट हो रहा है, इसलिए हमने हाफ लाइफ लगाया है। अभी और भी चीजें हैं, जरूरी थोड़ी हमेशा हाफ हाफ का भी पैटर्न हो। खैर, इसमें फिट हो रहा है। एक अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये वाला, टी बराबर जीरो पे रेट कितना था? 1600। टी बराबर जीरो पे कितना था? 1600 काउंट पर सेकेंड। रेट है, रेट और अमाउंट दोनों को लेके एक जैसी बातें होती हैं। टी बराबर 8 सेकेंड में काउंट क्या हुआ है? कितना हुआ है? 100 हुआ है, सॉरी 100 हुआ है। बताओ, अच्छा 8 सेकेंड में या 8 डेज, मुझे पता नहीं है टाइम क्या है, 8 में वो अमाउंट कितना हो गया है? 1/16 हुआ है। मुझे बता, अमाउंट अगर 1/16 हुआ है, मतलब वो हाफ के हाफ के हाफ का हाफ हुआ है। देख पा रहे भाई, हाफ का हाफ 1/4 हुआ, फिर उसका हाफ 1/8 हुआ, फिर उसका हाफ 1/16 हुआ। ये बात अगर किसी को महसूस नहीं हो रही, तो इस फॉर्मूले में अमाउंट लिख देते हैं कितना? 100। क्या लिख देते हैं? 100। शुरुआती अमाउंट कितना था? 1600। तुमको ये अमाउंट नहीं, रेट है, तो रेट को लेके भी वही फॉर्मूले हैं जो अमाउंट को लेके हैं। और कितनी हाफ लाइफ बीती है वो एन हमें सोचना है। क्या ये दो जीरो चले जाएंगे, हाँ 1/16 आएगा, ये क्या लिखा है? 1/2 की पावर एन। 1/16 को हम हाफ की पावर कितनी लिख सकते हैं? 4। तो क्या ये पावर मैच करा लो, एन बराबर कितना आ गया? 4। ये बात मन में सोची जा सकती, इतनी बड़ी बात नहीं है। 1/16 होना मतलब होता है हाफ के हाफ, हाफ हो गया हाफ का हाफ 1/4, हाफ के हाफ का हाफ 1/8, तो इसका मतलब 4 साइकिल बीती है। तो यार 4 साइकिल बीती है और समय कितना बीता है? 8। तो इसका मतलब एक साइकिल, एक हाफ लाइफ कितनी हो गई? 2 हो गई। हो गई कि नहीं? तो मुझे बताओ, t बराबर 0 पे 1600 है, तो 2 सेकंड बाद कितना हुआ होगा? यार t 0 पे 1600 है, तो t बराबर 2 में कितना हुआ होगा? 800। नहीं हुआ होगा। अरे भाई, 4 हाफ लाइफ में 8 सेकंड बीता है, तो एक हाफ लाइफ में 2 सेकंड बीता होगा। फिर मुझे बताओ, t बराबर 4 पे कितना हुआ होगा? 400। तो t बराबर 6 पे कितना हुआ होगा? 200। यही पूछा था कि नहीं? क्या ये आंसर भी हम मन में सोच सकते हैं कि किसी को 4 हाफ लाइफ में अगर 8 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ में 2 सेकंड लगता होगा। तो 6 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ बीत गई? 6 सेकंड में 3 हाफ लाइफ बीत गई, 2। तो 1600 का आधा 800, एक हाफ लाइफ। 800 का आधा 400, 2 हाफ लाइफ। 400 का आधा 200, 3 हाफ लाइफ। क्या ये आंसर हम बिना पेन चलाए प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यही सीखना है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें हम वहां केमिकल काइनेटिक्स में भी लगा सकते हैं, यहां की नॉलेज वहां काम पे ला सकते हैं, अगर तुम ये चीजें समझ पा रहे हो। अभी मैं और जनरल बात करने वाला हूं, ये तो हाफ लाइफ थी। क्या ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरीकों से समझ में आ गए हैं? कहां दिक्कत? ये वाले में, यही वाला ना क्वेश्चन में लिखा है कि t बराबर 0 पे काउंट कितना है? 1600। और 8 सेकंड में काउंट कितना हुआ है? 100। तो 1600 से कोई चीज 100 हो गई है, तो इसका मतलब कितने टाइम्स कम हो गई है?
1/16 टाइम हो गई है, 1/16, तो 1/16 मतलब वो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ कितने बार करने से आएगा, चार बार करने से आएगा। इसका मतलब 1600 से 100 होने में चार हाफ लाइफ बीत गई, और समय कितना बीता है, 8। तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ कितनी देर में बीतती होगी, 2 में। भाई 8 मतलब चार हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ कितने में, 2 में। तो यार इसका मतलब यहां से यहां तक चार हाफ लाइफ बीत चुकी है, और क्वेश्चन पूछा था टी बराबर 6 पे बताना है रेट कितना होगा। तो 6 मतलब 3 हाफ लाइफ बीती, 1600 का आधा 800, एक हाफ लाइफ, 800 का आधा 400, दो हाफ लाइफ, 400 का आधा 200, 3 हाफ लाइफ। क्लियर है? यहां मैं यार पूरी कहानी इसको हटा देता हूं, बस इतना समझा यार, ये टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, आधे से आधा होना, ये टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये है। चाहे तुम 0 से टी हाफ की बात करो तो भी यही आंसर आता है, चाहे टी हाफ से हाफ की बात करो यही आंसर आता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम अपॉन एक हाफ लाइफ। अब मैं एक और बात कर रहा हूं, कोई चीज एन नॉट थी और 3/4 एन नॉट हो गई, कितनी हो गई, 3/4 एन नॉट, कोई समय, इसको बोलता हूं मैं 3/4 लाइफ। क्या बोल रहा हूं, 3/4 लाइफ। बताओ इसमें टाइम कितना बीता, 3/4 लाइफ में कितना टाइम बीता, तुम क्या लिखोगे, 2.303 by lambda log n not upon 3/4 n not, ये लिखोगे नहीं। अब मैं कह रहा हूं कोई चीज 3 n not by 4 थी और वो 9 n not by 16 हो गई, मैंने क्या किया है, इस 3/4 n not में एक बार फिर से 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। भाई देखो 3 into 3 9 और 4 into 4 नहीं, मैं इसका टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा, 2.303 by lambda, शुरू में अमाउंट कितना है और बाद में कितना हो गया है ना, बता n not कटेगा तो ये आंसर 4/3 अंदर आएगा, 3 n not में से ये कटेगा तो 3 आएगा, अच्छा ये 16 था, 4 में से ये कटेगा तो कितना आएगा, 4। सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, log 4/3 यहां भी आ रहा है, log 4/3। इसका मतलब हाफ लाइफ कोई स्पेशल केस नहीं है, हम हाफ लाइफ तो छोड़ो, किसी चीज को हाफ करने की बात क्यों कहें, तुम कुछ भी फैक्टर से अमाउंट को कम करो, वो फैक्टर इस बार क्या था, 3/4, पिछली बार क्या था, 1/2। मैं कह रहा हूं यार अमाउंट एन नॉट था, उसका 3/4 करने में जो समय लगा है, दोबारा 3/4 करने में वही समय लगेगा, तो मैं इसको बोलता हूं 3/4 लाइफ। क्या बोलता हूं, 3/4 लाइफ, और 3/4 ही क्यों, कोई भी एक्स कोई भी वाई ले सकते हो। तो अब मैं कह रहा हूं कि एक बार अमाउंट 3/4 होने में टी 3/4 का समय लगता है, तो बताओ अच्छा ऐसी ऐसी अगर दो हाफ लाइफ बीत गई, तीन व 3/4 लाइफ बीत गई, तो एन 3/4 लाइफ के बाद अमाउंट कितना बचेगा, अमाउंट कितना बचेगा, तो मैं कहूंगा यार एन 3/4 लाइफ के बाद अमाउंट बचेगा एन नॉट 3/4 × 3/4 × 3/4, जितने बार ऐसी साइकिल चली होगी उतने की पावर यहां क्या रख दें, एन। जैसे मैंने यहां पे हाफ की पावर एन करी थी, नहीं अब बात आएगी नंबर ऑफ 3/4 लाइफ कैसे आएगा, बताओ अच्छा नंबर ऑफ 3/4 लाइफ कैसे आएगा, कैसे आएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय एक 3/4 लाइफ का समय। यार ये 3/4 लाइफ का कोई फॉर्मूला किसी को रटना नहीं है, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि ये भी एक चीज हो सकती है। क्या ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी हाफ लाइफ के लिए लगाया था वही हुबहू कॉन्सेप्ट हम इसके लिए नहीं लगा सकते हैं? तो इन जनरल में 3/4 की जगह इसको अब क्या कहने वाला हूं, x/y, क्या लिखने वाला हूं, x/y। तो बता x/yth लाइफ, पहले तो बता x/yth लाइफ
का फॉर्मूला पहले निकालते हैं, टी एक्स बाई वाई क्या आएगा, 2.303 बाई लैम्डा लॉग एन नॉट अपॉन एक्स बाई वाई एन नॉट, नहीं आएगा ये आएगा कुछ भी गंदा सा आएगा। नंबर ऑफ एक्स बाई वाईथ लाइफ ये कैसे आएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाई टी एक्स बाई वाई, और अमाउंट आफ्टर एन, अमाउंट आफ्टर एन एक्स बाई वाई लाइफ, एन एक्स बाई वाई लाइफ वो कितना होगा अमाउंट, एन नॉट इंटू एक्स बाई वाई की पावर एन। अब ये एक्स वाई तुम खुद चुन लो कि क्या चुनना है, कई बार क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा कि हमें क्या चुनना चाहिए, खुद समझ में आएगा, वो वन थर्ड हो सकता है, वन फोर्थ हो सकता है, वन फिफ्थ हो सकता है, थ्री फोर्थ हो सकता है, सेवन बाई फोर हो सकता है, नाइन बाई टेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका भी एग्जाम्पल आएगा तब बात ज्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर, पहले ये नोट करें, ये कुछ ये नोट कर लिया, थोड़ा थोड़ा भाव आ रहा है मन में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी पूरा भाव क्लियर होगा जब एग्जाम्पल सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखे जरा, क्वेश्चन में कहा गया है टी बराबर जीरो पे कोई अमाउंट 1000 था, कितना था, टी बराबर जीरो पे कोई अमाउंट 1000 है, और 2 सेकंड में वो कितना रह गया है, 2 सेकंड में वो 900 रह गया है, 1000 से 900। मुझे बता रहे टी बराबर जीरो पे कोई चीज 1000 थी और टी बराबर दो पे वो 900 रह गया है, इसको तुम 9/10th लाइफ कह सकते हो, नहीं हुआ 9/10th लाइफ, यानी यार टी बराबर 2 सेकेंड इसकी 9/10th लाइफ है, 9/10th टी 9/10th कितना है 2 सेकेंड है, और अमाउंट पहले 1000 था उसमें 9/10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या वो 900 नहीं आ गया, कि मुझे कैसे समझ में आया कि ये 9/10th लाइफ है, अरे यार 1000 का 900 लाना है तो उसमें 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बताओ 4 सेकंड में, 2 सेकंड में 9/10th हुआ है, तो बताओ टी बराबर 4 सेकंड में ऐसे ऐसे कितने प्रोसेस हो चुके होंगे, 2 प्रोसेस हो चुके होंगे, नहीं हो गए होंगे, पहली बार 9/10th हुआ होगा और फिर से क्या हो गया होगा 9/10th हो गया होगा, तो 2 प्रोसेस के बाद अमाउंट, ये मुझे कैसे पता 2 प्रोसेस हुए, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम अपॉन टी 9/10th, मतलब टोटल टाइम 4 है और एक 9/10th का समय कितना है 2, तो इसका मतलब ऐसी ऐसी कितनी 9/10th लाइफ बीती हैं, 2 बीती हैं। अच्छा एक 9/10th लाइफ में अमाउंट कितना हो जाता है 9/10, अरे 900 नहीं हुआ था, तो 2 9/10th लाइफ में कितना हो जाएगा इंटू 9/10, और क्या ऐसे करके ये आंसर इजीली निकाला जा सकता है, कितना आंसर आ गया बताएगा कोई, ये आ गया है 810, 2 9/10th लाइफ में अमाउंट कितना हो गया 810। कोई कहता है यार 3 9/10th लाइफ बीती है तो तुम यहां पे 9/10, यानी कोई कहता है 4 सेकंड में नहीं 6 सेकंड में कितना अमाउंट हो गया, तो तुम क्या करते यार, एक 9/10th लाइफ में 900 हुआ था,
ये तुम कैसे तय करोगे? 9-10th है, जो बाद का अमाउंट है और जो शुरू का अमाउंट है उनका रेशियो निकाल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन सी लाइफ है। नहीं, 9-10th लाइफ है, तो 9-10th लाइफ का समय कितना है? 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ऐसे ऐसे कितने प्रोसेस हो गए? 2 प्रोसेस। तो एक प्रोसेस में 9/10 हुआ है, 2 प्रोसेस में उसका एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये तुम समझ पा रहे हो? ये हाफ लाइफ जैसी बात नहीं है। सोचो मैं यहां अमाउंट 1000 की जगह 500, ये 2 सेकंड में 500 लिखता, क्या लिखता? 500। तो बता रही है 2 सेकंड उसकी क्या हो जाती? हाफ लाइफ। और मैं पूछता बताओ 4 सेकंड में कितना अमाउंट हो जाएगा? तुम यही तो करते, शुरू में 1000 है, इंटू हाफ कर देते। क्या ये बिल्कुल सेम चीज नहीं है? बस मिलाने की देर है यार। क्या समझ पा रहे हो? अगर इसको तुम करना चाहो, मान लिया इससे नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे पास वो जो बेसिक मेथड था वो मेथड है, लेकिन इससे करना बहुत क्विक प्रोसेस है। तुम्हें जैसे ही फील आएगा ना कि दो ऐसी ऐसी लाइफ बीत गई हैं, तो तुम 2 बार उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और वैसे करने में थोड़ा समय लगता है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में तो वैसे भी तुम बड़ा मेथड लगाते हो। मैं बता दूं जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तुमने 3 तरह की, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव प्रोसेस वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये टेक्निक काम करेगी, 0 ऑर्डर के लिए नहीं करेगी और सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां भी इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही था। क्या बताओ? इसका रेट dN / dt n की 1 पावर पे डिपेंडेंट था ना, और वहां भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो कॉन्सेंट्रेशन का रेट कॉन्सेंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए मेथड काम करेगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलो यार अभी हाफ लाइफ पे एक आध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, मैं यहां ओपन करता हूं। मगर इसमें ओपन करूंगा तो आंसर दिख जाएगा, मैं इसका पीडीएफ ओपन करता हूं। पेन मत चलाओ, मन में करो यार अपनी, पेन चलाने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 साल में अमाउंट आधा हो जाता है। तुम कहोगे ये कब कहा भाई? हाफ लाइफ पीरियड 5 साल है, मतलब 5 साल में अमाउंट क्या हो जाता है? आधा। तो 15 साल में ऐसी ऐसी कितनी साइकिल बीत गई होंगी? 3 साइकिल। तो वो आधे का आधा हो गया 1/8। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आंसर आ गया N0/8। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 रहने दो, अभी इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, दिख रहा है किसी को?
215 एटी एंटीमनी होता है क्या? ये क्या होता है? एटी क्या होता है? 100 माइक्रो सेकेंड है इसका हाफ लाइफ, तो 1/16 होने में कितना समय लगेगा? सोच ले आराम से, कोई बोलने की जरूरत नहीं, अभी मैं हाथ उठवाऊंगा, थोड़ा दिमाग को फ्री छोड़ के मन में भाव लाने का प्रयास करें, शायद जल्दी हो जाए। हो गया? वाह, मन भारी हो रहा है, हो गया? ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, क्या सी वाले, डी वाले? डी आंसर है, डी आंसर है। अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज 1/16 हुई है 1/16, तो मतलब हाफ लाइफ कितने बार प्रोसेस कर चुकी है, कितने हाफ लाइफ बीत चुके हैं? भाई हाफ के हाफ के हाफ में तो 1/8 होता है, 1/16 मतलब 4 हाफ लाइफ। तुरंत ख्याल आना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेटा की फीडिंग होना चाहिए। 4 हाफ लाइफ बीत गई, तो 1 हाफ लाइफ में अगर 100 माइक्रो सेकंड लगते हैं, तो 4 हाफ लाइफ में कितने लग जाएंगे? 400 माइक्रो सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 10th, अच्छा बताओ क्वेश्चन में कहा गया 7/8, 7/8 सैंपल डिके कर गया। हम लोग जो फॉर्मूले लिखते हैं, तो ये बचा हुआ अमाउंट होता है या डिके करने वाला अमाउंट? ये बचा हुआ अमाउंट होता है हमेशा। तो अगर किसी अमाउंट का 7/8 चला गया, एन नॉट का 7/8 एन नॉट चला गया, तो कितना बचा? 1/8 एन नॉट। ये भी डेटा यार एकदम बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। 7/8 चला गया मतलब कितना रह गया? 1/8। और कितना समय लगा है उसको 1/8 होने में? अच्छा 1/8 होने में पूछा गया है, ओके 1/8 होने में पूछा गया है, और दिया क्या है? हाफ होने में। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाफ है 5 और हम चाहते हैं 7/8 खत्म हो जाए, तो 7/8 खत्म हो जाना मतलब कितना बचना? 1/8 बचना, और 1/8 बचना मतलब हाफ के हाफ का हाफ, यानी कितनी हाफ लाइफ बीत गई? 3 हाफ लाइफ बीत गई, यानी आंसर कितना हो गया? 15। क्या आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अभी हाफ लाइफ का चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7th मुझे एक और मिला है, जो हाफ लाइफ से हट के एक्स वाई वाईथ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, अगर तुम सोच पाओ तो। कितने लोग सोच पा रहे हैं देखता हूं मैं। क्वेश्चन में कहा गया 10% ऑफ मटेरियल 5 दिन में डिके करता है। 10% बोले तो मतलब 10% मतलब अमाउंट का 1/10। भाई किसी चीज का 10% क्या होगा? एन नॉट का 10/100 मतलब वो कितना हो गया? 1/10, यानी एक तरह से ये 1/10 लाइफ है। क्या है? 1/10। किसी चीज का 1/10 होने में कितना समय लगता है? जस्ट अ मिनट, 10% डिके हुआ है, 10% डिके हुआ है, तो इसका मतलब हो कितना गया है?
10 n नॉट माइनस n नॉट 9 बाई 10 n नॉट। हाँ ये भी समझने की बात है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा 10% हो गया है, 10% डिके हुआ है तो बचा कितना। अगर मैं किसी चीज का 10% घटा दूंगा तो वो आएगा 9/10। तो ये पता है क्या है, हाफ 1/10 लाइफ नहीं है, ये 9/10 लाइफ है। यानी 9/10 होने में कितना समय लगा है, 5। तो बताओ यार 20 दिन में ऐसे ऐसे कितने प्रोसेस बीत जाएंगे, ऐसे ऐसे 4 प्रोसेस बीत जाएंगे। तो पहली बार 9/10 होगा, दूसरी बार फिर से 9/10 होगा। यानी यार ये अमाउंट पता है कितना हो जाएगा 4 हाफ लाइफ के बाद, 4 9/10 लाइफ के बाद। पहली बार 9/10, दूसरी बार 9/10, ऐसी पावर कितनी आएगी, 4। समझ पा रहे हैं क्या ये बात, समझ पा रहे हैं। अब यार देखो, अगर मैं 10 की पावर 4 करूंगा तो यहां 10,000 आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। 9 की पावर 4 करना थोड़ा मुश्किल है, मैं रफली कर रहा हूं। क्या 9 को 4 बार लिखो और 2 बार 9 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 81 इंटू क्या, मैं इसको लगभग 80-80 मान लूं, तो 80 इंटू 80 करके कितना आएगा, 6400 एन नॉट बाई 10,000। इसका 2 जीरो उड़ा दो, अभी अंदाजा लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा 65%। और अगर इसको कोई मैथमेटिकली करना है लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। कितने परसेंट आ गया, कैसे पता चला, यार ये आंसर 81 into 81 64 से हल्का सा ज्यादा आता होगा, और 64/100 का मतलब होता है 64%। तो इसका मतलब उससे आगे क्या होगा, 4 ऑप्शन में से वो आंसर 65% करीब है। क्या समझ पा रहे हैं, ये हाफ लाइफ से मिलता जुलता ही है अगर तुम कर पाओ तो। क्वेश्चन में एक्चुअली ये नहीं लिखा कि कितने परसेंट हो गया है, अक्सर दिया जाता है कितने परसेंट हो गया है, इसमें लिखा है 10% डिके कर गया है, 10% कम हो गया है। तो मुझे बताओ कोई चीज एन नॉट है उसका 10% होता क्या है, एन नॉट बाई 10। हाँ ये भी कह सकते हैं, सीधे ये भी कह सकते हैं कि 10% डिके कर गया इसका मतलब 90% बचा है। तो तुम एन नॉट का 90% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 9/10 एन नॉट। तो बताओ कोई चीज 9/10 एन नॉट हो गई है, हो गई है मैटर करता है, तो इसका मतलब उसकी ये 9/10 लाइफ है। कितनी है, 5 दिन, 5 दिन उसकी क्या है, 9/10 लाइफ। तो 20 दिन मतलब ऐसे वैसे कितने प्रोसेस बीत गए, 4 प्रोसेस बीत गए। तो बस यार इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है और वो कैलकुलेशन इजिली सोचना है। बात क्लियर है भाई लोग। तो यार इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो अल्फा बीटा गामा डीके पे हैं, जेड पे क्या फर्क पड़ता है, ए पे क्या फर्क पड़ता है उस पे है, या एकाध क्वेश्चन फैक्ट पे बेस्ड हो सकते हैं, जानकारी पे बेस्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू ही जानकारी इकट्ठा कर लें, है ना। एकाध ग्राफ मैं बता देता हूं, जब भी कभी कोई ऐसा फॉर्मूला होता है एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, या इसी का फॉर्मूला रेट में बनाया जा सकता है, तो एन और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है, मैं अगर इसमें टी बराबर जीरो डालूंगा तो अमाउंट क्या आएगा, टी बराबर जीरो पे एन नॉट ही आएगा यार। ई की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ये n नॉट ही आएगा। यानी शुरू में अमाउंट क्या होगा, n नॉट। क्या बताओ जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये फैक्टर बड़ा होगा या छोटा होगा, हाँ इतना तो सबको पता है कि समय के साथ साथ अमाउंट कम होता जाता है, तो छोटा ही होगा। बहुत लंबे समय बाद सब खत्म हो जाएगा,
तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आगे बढ़ता है। तो अगर कभी इसका ग्राफ पूछा जाए तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ को अगर तुम ऐसे करके देखो और ज्यादा जस्टिफाई होगा, क्या ये e की पावर लैम्डा टी है कि नहीं है। ये एक वैल्यू होती है जिसकी e की वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होती है और उसकी पावर लैम्डा टी है, तो बताओ टाइम बढ़ता जाएगा तो नीचे वाली चीज बड़ी होती जाएगी तो अमाउंट कम होता जाएगा, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है और बहुत लॉन्ग समय में ये कहीं जीरो को टेंड करता है। अमाउंट का ग्राफ टाइम के साथ एक नाम आता है मीन लाइफ। मीन लाइफ का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये एक शब्द है ऑफ ऑल द न्यूक्लियाइज, जितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं उनका एवरेज निकालना। अगर उसमें कोई मैथ लगाना चाहे तो हम क्या करेंगे, जितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट अब तक हो चुके हैं या पूरी लाइफ में होंगे किसी रेडियो एक्टिव के सारे सैंपल खत्म होने के बाद, हम सबकी लाइफ का सम निकालें। जैसे मान लिया पूरे शहर में कोई 80 साल जिया, कोई 20 साल जिया, तो सबकी एज को यहां सम कर दो और फिर नीचे जितने लोगों की तुमने एज ऊपर लिखी है उससे डिवाइड कर दो, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा कि एक आदमी एवरेज कितना जीता है। उसी तरह की शब्द है ये मीन लाइफ। मीन लाइफ का मतलब है सबकी एज का सम करो और जितने लोगों की एज हमने लिखी है ऊपर उससे नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज एज आ जाएगा। एक आदमी अगर 40 साल जिया है, एक आदमी 80 साल जिया है, तो 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इस तरह की चीज है। और ये लंबी मैथमेटिक्स के बाद इसका आंसर बड़ा सिंपल सा आता है, 1 बाई लैम्डा। टी मीन क्या होता है, 1 बाई लैम्डा। सोचो यार कोई एक न्यूक्लियस है एक्स, उसका एक तरह का डिसइंटीग्रेशन चल रहा है एक्स से वाई कन्वर्जन वाला और एक तरह का डिसइंटीग्रेशन चल रहा है एक्स से जेड कन्वर्जन वाला। अगर इस प्रोसेस के थ्रू डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा 1 है और दूसरे प्रोसेस के थ्रू लैम्डा 2 है, मतलब दो प्रोसेस के थ्रू इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। ये प्रोसेस हो तो भी उसको डिसइंटीग्रेटेड मान लिया जाता है और ये प्रोसेस हो तो भी उसको डिसइंटीग्रेटेड मान लिया जाता है। तो बता इसके x का इफेक्टिव रेट ऑफ डिके की बात अगर मैं करूं, इफेक्टिव रेट ऑफ डिके, तो क्या इस r के रेट ऑफ डिके में y बनने के प्रोसेस में जितना डिके हो रहा होगा वो शामिल होगा प्लस z बनने के प्रोसेस में जितना होगा वो उसका इफेक्टिव रेट होगा? नहीं, x से y बनने में और x से, तो यार x से y बनने में उसको मैं लिख रहा हूं लैम्डा एन एक्स लैम्डा 1 और एक्स से जेड बनने में उसको मैं लिख रहा हूं लैम्डा 2 एन एक्स। तुमको कि हर बार एन एक्स क्यों आ रहा है,
मुझे बताओ, जब भी हम कहते हैं कि x का डिके हो रहा है, तो जो रेट का फॉर्मूला था वो था लेमडा n, तो वो n होता किसका था, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का होता था। तो अगर x से y बन रहा है तो भी लेमडा 1 nx आएगा, और x से z बन रहा है तो भी, है ना। बस लेमडा 1 लेमडा 2 प्रोसेस डिपेंडेंट है, लेमडा 1 पहले प्रोसेस का है, लेमडा 2। तो इफेक्टिव रेट हम क्या कहेंगे, लेमडा इफेक्टिव इनटू nx कह देंगे, तो nx nx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेमडा इफेक्टिव क्या आ गया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये सीधे सीधे कभी कभी पूछा जाता है। मुझे बताओ, अभी अभी मैंने t मीन और लेमडा में क्या रिलेशन देखा है, t मीन बराबर 1 बाई लेमडा देखा है, तो क्या लेमडा को मैं 1 बाई t मीन इफेक्टिव कह सकता हूं, 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। यानी यार इसका t मीन t1 है, या t मीन 1 कह दूं, इस प्रोसेस का मीन लाइफ tm2 है, तो इफेक्टिव मीन लाइफ का फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं, मुझे बताओ हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 0.693 बाई लेमडा देखा था, तो 1 बाई लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखिए जरा, लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा को 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसी से मैं कह रहा हूं लेमडा इफेक्टिव, मैं लिख रहा हूं टी हाफ इफेक्टिव, टी हाफ इफेक्टिव नहीं, 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव। लेमडा 1 को लिख रहा हूं 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ 2, तो ये सब कट जाएगा, तो 1 बाई टी हाफ इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई टी हाफ 1, 1 बाई टी हाफ 2। यानी अगर मुझे इस प्रोसेस का टी हाफ पता है टी हाफ 1, और इस प्रोसेस का टी हाफ पता है टी हाफ 2, तो टी हाफ में रिलेशन होगा। हमें लेमडा का पता होगा तो बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि लेमडा और टी में इनवर्स वाला रिलेशन होता है, यहां भी है और यहां भी है, ये रिलेशन हमें याद दिला सकता है। तो अभी तुम लोगों को रेडियोएक्टिव के सारे क्वेश्चंस करना है, और इसका डिस्कशन हम लोग किसी दिन ना वो वाली क्लास में कर लेंगे। कल है क्लास लॉज ऑफ मोशन की, तो क्लास के बाद अगर समय मिलेगा तब कर लेंगे, तुम लोग करके रखना है। सैटरडे क्लास है नहीं, ट्यूसडे में भी कि नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब नया टॉपिक सेमी कंडक्टर, मॉडर्न के बाद क्या शुरू होगा, सेमी कंडक्टर होपफुली।